चलो अभी हम कंपेयर करते हैं हल्दीराम की ही भुजिया के साथ, जैसे कि हनी ओट्स बिस्किट, डाइजेस्टिव बिस्किट्स या मल्टीग्रेन बिस्किट, ग्रेलिन और लेप्टन, ये ना भाई बहन है। हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ आप बहुत खुश हैं, बहुत स्वस्थ हैं और बहुत पॉजिटिव हैं। सबसे पहले दिल से बहुत बहुत शुक्रिया इस परिवार को 400 लोगों का परिवार बनाने के लिए। थैंक यू सो मच, वी आर 400 स्ट्रॉन्ग फैमिली, राइट? सुनने में नंबर छोटा हो सकता है बट ऑनेस्टली मेरे लिए ये नंबर बहुत बड़ा है। और अगर आप चाहें तो मेरे परिवार से बिल्कुल मुफ्त में जुड़ सकते हैं। कैसे? नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन पर दबाकर। आप जल्दी से दबा दीजिए और देखिए आप मेरे परिवार का हिस्सा हो गए हैं। अपने परिवार के साथ मैं शेयर करती हूँ वो सारी चीज़ें जो आपको हेल्दी और हैप्पी बनाती हैं, चाहे वो नेचुरल रेमेडीज हो, चाहे वो योग और एक्सरसाइज हो, और चाहे वो हेल्दी रेसिपी हो। तो मैं आपके साथ ये सारी चीज़ें शेयर करती हूँ। तो आज हम बात करने वाले हैं 20 ऐसे हिडन रीजंस के बारे में, ऐसे छुपे हुए रीजंस के बारे में जो आपके वेट को बढ़ाता है अनइंटेंशनली। आप नहीं चाहते कि आपका वजन बढ़े, फिर भी अगर आपका वजन बढ़ रहा है तो उस वजन बढ़ने के पीछे कौन से ऐसे छुपे हुए कारण हैं, इनके बारे में आज हम बात करेंगे। ठीक है, आपको पता होगा कि मैं एक पार्ट बना चुकी हूँ इसी टॉपिक के ऊपर, जिसमें 20 में से 6 रीजंस मैंने पिछली वीडियो में आपके साथ शेयर कर दिए हैं। आज 7th से शुरू करते हैं। फैक्ट नंबर 7, यू आर ईटिंग डाइट फूड। देखिए, इस बात की मुझे बहुत खुशी है कि हमारी आज की जनरेशन अपने फूड चॉइसेस को लेकर बहुत ज़्यादा अवेयर हो गई है। अगर उन्हें बिस्किट भी खाना होता है तो वो हेल्दी बिस्किट्स ढूंढते हैं, जैसे कि हनी ओट्स बिस्किट, डाइजेस्टिव बिस्किट्स या मल्टीग्रेन बिस्किट्स या फिर ज्वार या ओट्स के बिस्किट, इस तरह के बिस्किट्स वो ढूंढते हैं। बट क्या आपने सच में कभी उसके इन्ग्रीडियंट्स की लिस्ट पढ़ी है? उसमें एक बहुत सर्टेन अमाउंट होता है जो मल्टीग्रेन का होता है या ओट्स का होता है या ज्वार या बाजरे का होता है, बट रेस्ट ऑफ इट कंसिस्ट्स ऑफ रिफाइंड फ्लावर मतलब मैदा, रिफाइंड शुगर मतलब चीनी और पाम ऑयल। और ये तीनों ही चीज़ें हमारी बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा पॉइजनस हैं, बहुत ज़्यादा वेट को बढ़ाने वाली हैं, चाहे वो रिफाइंड ऑयल हो, पाम ऑयल हो, शुगर हो या मैदा हो। ये सारी चीज़ें हमारी बॉडी के लिए बहुत टॉक्सिक हैं और इसीलिए डाइट फूड्स खाने से भी हमारा वज़न कम नहीं होता। चलो एक और एग्जांपल लेते हैं। आप हल्दीराम की डाइट वाली नमकीन तो खाते ही होंगे, जिसको डाइट मिक्सचर के नाम से बोलते हैं। इसके अंदर पोहा होता है भुना हुआ, कुछ नट्स होते हैं, मूंगफली और चने वगैरह होते हैं। बट एक्चुअल में आपने क्या इसके इंग्रेडिएंट्स कभी पढ़े हैं? इसका न्यूट्रिशनल वैल्यू कभी पढ़ा है? अगर आप देखेंगे तो 100 ग्राम्स ऑफ दिस डाइट मिक्सचर हैज 504 के कैलोरीज। और इसे चलो अभी हम कंपेयर करते हैं हल्दीराम की ही भुजिया के साथ। उस 100 ग्राम भुजिया में 580 कैलोरीज होती हैं। तो मुझे नहीं लगता कि आलू भुजिया खाएं या डाइट मिक्सचर खाएं, इसकी कैलोरीज में कुछ बहुत ज्यादा अंतर है या ये आपकी बॉडी के लिए एक्चुअली हेल्दी है। गाइस प्लीज, अगर किसी चीज के ऊपर डाइजेस्टिव या डाइट ऐसे लिखा हो ना, तो आप उससे इंप्रेस मत हो जाइए एकदम से। उसके पहले इंग्रेडिएंट्स पढ़िए, उसका न्यूट्रिशनल वैल्यू देखिए और उसके बाद एक्ट स्मार्ट, ईट स्मार्ट। फैक्ट नंबर 8, यू आर नॉट टेकिंग एडिक्वेट अमाउंट ऑफ स्लीप। मतलब जितने हमारे शरीर को जरूरत है, या तो आप उससे कम सो रहे हो या आप उससे ज्यादा सो रहे हो। इसको ना अलग अलग समझते हैं। सबसे पहले समझेंगे, अगर आप कम सोते हो तो कैसे हमारा वेट गेन होता है। ठीक है, अभी हमारे शरीर में ना दो हॉर्मोन्स होते हैं जिनका नाम होता है ग्रेलिन और लेप्टिन। ये ना भाई बहन है। ग्रेलिन जो होता है ये हंगर हॉर्मोन होता है, ये बताता है कि भाई आपको भूख लगी है। और जो लेप्टिन होता है वो बताता है कि बस पेट भर गया, अब खाना बंद करो। जब आप कम सोते हो, लेप्टिन हमारे शरीर में कम रिलीज होता है और ग्रेलिन हमारे शरीर में ज्यादा रिलीज होता है। ग्रेलिन ज्यादा रिलीज होगा तो भूख ज्यादा लगेगी, और लेप्टिन कम रिलीज होगा तो हमारे शरीर को पता ही नहीं चलेगा ना कि रुकना कब है। तो मतलब हमारा हंगर जो है वो लंबा हो गया, हमारी जो भूख है वो बढ़ गई, और ऐसे करके हम ज्यादा खाते हैं और अपना वजन बढ़ाते हैं। अब देखते हैं
कि अगर हम ज्यादा सोते हैं तो क्या होता है। तो ये चीज तो आपने खुद भी महसूस करी होगी कि किसी दिन अगर आप जरूरत से ज्यादा सो जाते हो तो आपकी बॉडी बहुत ज्यादा लेथार्जिक फील करती है, बहुत ज्यादा आलसी फील करती है। ठीक है, यही होता है जब कोई इंसान रेगुलर बेसिस पे बहुत ज्यादा सोने लगता है, जरूरत से ज्यादा सोने लगता है, उसकी बॉडी बहुत ज्यादा लेजी हो जाती है, लेथार्जिक हो जाती है, वो इंसान बहुत ज्यादा टायर्ड फील करता है। तो टायर्ड फील करता है तो ज्यादा खाता है और वर्कआउट कम करता है, और इसी वजह से वेट गेन बहुत जल्दी हो जाता है। अगर आप वजन को कम करना चाहते हैं तो अपनी स्लीप को एक एडिक्वेट अमाउंट में ही लीजिए, टाइम से सोइए, टाइम से उठिए और अपने रूटीन में रहिए। फैक्ट नंबर 9, यू हैव एन अननोन फूड इंटॉलरेंस और एनी फूड एलर्जी। देखो, फूड इंटॉलरेंस में क्या होता है, ये एक ऐसी कंडीशन होती है जिसमें आपका बॉडी सर्टेन कंपाउंड्स को डाइजेस्ट नहीं कर पाता है, जैसे कि ग्लूटेन, दूध, लैक्टोज इंटॉलरेंस, सोए, बहुत सारे लोगों को नट्स डाइजेस्ट नहीं हो पाते हैं। ठीक है, तो ये एक कंडीशन होती है जिसमें आपकी बॉडी प्रॉपरली उन चीज़ों को डाइजेस्ट नहीं कर पाती है। और फूड एलर्जी में क्या होता है कि जब आप उन स्पेसिफिक कंपाउंड्स को इनटेक करते हैं तो आपको बहुत ज़्यादा ब्लोटिंग होती है, किसी किसी को रैशेस हो जाते हैं, बहुत नौजिया फील होता है, वॉमिटिंग जैसा फील होता है, तो ये कंडीशन होती है फूड एलर्जी की। तो जिन लोगों को फूड इंटॉलरेंस होता है या फूड एलर्जी होती है उनमें यूजुअली ब्लोटिंग का प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा पाया जाता है, लेथार्जी का प्रॉब्लम भी बहुत ज़्यादा पाया जाता है। तो अब आप सोचोगे कि ब्लोटिंग और लेथार्जी से वेट गेन कैसे हुआ। चलो पहले लेथार्जी को समझते हैं। जब आपकी बॉडी लेथार्जिक फील करती है, आपको एक ऐसा एहसास होता है कि भाई हमारे शरीर में बहुत ज़्यादा वीकनेस होती है, और उस मोमेंट पे आप अपनी बॉडी को रेस्ट देना प्रेफर करते हो, आप आराम तलब हो जाते हो, आप मूवमेंट नहीं करना चाहते, जिस कंडीशन में आपको वॉकिंग के लिए जाना चाहिए उस कंडीशन में आप बिस्तर पकड़ लेते हो। इस तरह से लेथार्जी आपका वेट बढ़ाती है। और एक और चीज़ है क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन, ये एक बहुत कॉमन एलर्जिक रिएक्शन होता है विच कैन बी ब्लेम्ड फॉर वेट गेन। देखो, जब आपको कभी भी बॉडी में क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन होता है तो आपकी बॉडी उस इन्फ्लेमेशन को कंट्रोल करने के लिए एंटी इन्फ्लेमेटरी हार्मोन को रिलीज करती है, उस हार्मोन का नाम है कॉर्टिसोल। अब जिसने भी मेरी पिछली वीडियो देखी है वो कॉर्टिसोल को बहुत अच्छे से जानता है। ठीक है, तो ये कॉर्टिसोल हार्मोन जो है ये आपके बॉडी के इन्फ्लेमेशन को डिक्रीज करता है, पर साथ ही साथ हमारे ब्लड शुगर लेवल्स को इंक्रीज करता है। इसका मतलब क्या हुआ कि हमारी बॉडी में इंसुलिन जो है वो ज़्यादा प्रोड्यूस होती है, और जब एक लगातार टाइम तक इंसुलिन हमारी बॉडी में ज़्यादा प्रोड्यूस होती है तो हमारी बॉडी जो है वो इंसुलिन रेजिस्टेंट हो जाती है, जिसकी वजह से वो हमारे बॉडी के मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ में दखलंदाजी करती है और उसकी वजह से हमारा वजन बढ़ता है। सो यू नीड टू फाइंड आउट बाय योरसेल्फ कि कौन से ऐसे पर्टिकुलर फूड आइटम्स हैं जो आपकी बॉडी को सूट नहीं हो रहे हैं, जिनको खा के आपको बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है, ब्लोटिंग होती है, इन्फ्लेमेशन होती है, या फिर बहुत ज़्यादा लिथाजी फील होती है। उसमें दूध भी हो सकता है, नट्स भी हो सकता है, गेहूँ भी हो सकते हैं, चावल भी हो सकता है, मतलब कुछ भी हो सकता है, क्योंकि हर शरीर अलग है इसलिए हर शरीर के साथ एलर्जी और इनटॉलरेंस के चांसेस भी अलग हैं। सो डू फाइंड आउट और उसको फिर किसी और फूड आइटम से रिप्लेस करो। फैक्ट नंबर 10, यू आर टेकिंग आर्टिफिशियल स्वीटनर्स। बहुत सारे लोग इसके अंदर स्टीविया को भी कंसीडर करते हैं, बट स्टीविया इज बेसिकली नॉट एन आर्टिफिशियल स्वीटनर, इट इज अ नेचुरल स्वीटनर। स्टीविया का एक पौधा होता है और उसके पत्तों को पीस के या लिक्विडिफाई करके हम उसको यूज करते हैं। हम स्टीविया की यहाँ पे बात नहीं कर रहे, वी आर टॉकिंग अबाउट द आर्टिफिशियल केमिकल स्वीटनर्स। इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है डाइट कोक। हम में से बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो डाइट कोक पीते हैं सिर्फ इस थॉट के साथ कि भाई ये तो जीरो कैलोरिक है, इसमें तो कोई कैलोरीज नहीं है, इसमें कोई एडिड शुगर नहीं है, तो ये वजन भला कैसे बढ़ा सकता है। पर क्या आप जानते हैं इसके अंदर एस्पर्टेम नाम का एक आर्टिफिशियल स्वीटनर
पाया जाता है। इनफैक्ट इसमें एस्पर्टेम के साथ एक स्प्लेंडा नाम का एक और आर्टिफिशियल स्वीटनर पाया जाता है। आपने कभी ध्यान से देखे हैं इसके इंग्रेडिएंट्स? नहीं देखे हैं ना, इसीलिए आपने इस पे कभी गौर नहीं करा है। आपको पता है रिसर्चर्स के अकॉर्डिंग अगर आप एस्पर्टेम को स्वीटनर की तरह इस्तेमाल करते हैं तो उसकी वजह से आपका पेट गड़बड़ हो सकता है, आपको ब्लोटिंग हो सकती है, आपके पेट में क्रैम्स आ सकते हैं, मरोड़े आ सकते हैं, जिसकी वजह से आपको दर्द हो सकता है, ठीक है। और लॉन्ग टर्म अगर आप इसका सेवन करते हैं तो आपको IBS की शिकायत हो सकती है, दैट इज इरिटेबल बाउल सिंड्रोम। और साथ ही साथ एस्पर्टेम हमारे गट में पाए जाने वाले बैक्टीरियाज में इम्बैलेंस क्रिएट करता है। ये कोई भी बात मैं अपने मन से नहीं बोल रही हूँ, ये सारी बात रिसर्च के द्वारा प्रूव्ड है, इसीलिए ये सारी बात मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। इसके साथ साथ एस्पर्टेम हैज़ बीन लिंक्ड विद कॉग्निटिव एंड बिहेवियरल चेंजेस, जैसे कि इनसोम्निया होना, बहुत सारे लोगों को नींद आनी बंद हो जाती है, इरिटेबल मूड्स, बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ महसूस होती है, नौजिया फील होता है, माइग्रेन्स की शिकायत बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, और साथ ही साथ एंग्जाइटी और डिप्रेशन जैसी प्रॉब्लम्स के भी आप शिकार हो सकते हैं अगर आप रेगुलर बेसिस पे आर्टिफिशियल स्वीटनर्स का इस्तेमाल करते हैं। फिलहाल मैंने तो एस्पर्टेम के बारे में आपको एक छोटा सा एग्जांपल दिया, इसके अलावा बहुत ब्रॉड वैरायटी है आर्टिफिशियल स्वीटनर्स की जो ड्रिंक्स में अक्सर करके पाई जाती है, तो प्लीज़ बी अवेयर, आप जो भी ड्रिंक्स पी रहे हैं उसके अंदर के इंग्रेडिएंट्स को देखिए, उसमें चेक करिए कि आर्टिफिशियल स्वीटनर जो इस्तेमाल अगर किया भी गया है तो कहीं वो हार्मफुल तो नहीं है आपकी बॉडी के लिए। फैक्ट नंबर 11, यू आर ईटिंग नॉन वेजिटेरियन फूड। सो नॉट जस्ट साइंटिफिकली बट ऑल्सो एथिकली इट्स नॉट गुड फॉर अस। सबसे पहले इसके अंदर बहुत ज़्यादा कार्ब्स होते हैं, बहुत ज़्यादा फैट्स होते हैं, बहुत ज़्यादा शुगर्स होता है, इट इज़ वेरी वेरी हाई इन कैलोरीज, तो ये तो पक्का है कि इट वोंट लीड यू टू वेट लॉस, ठीक है। और अगर आप नॉन वेज सिर्फ प्रोटीन के लिए खा रहे हो ना, सो दे आर हंड्रेड्स ऑफ आइटम्स दैट आर एक्चुअली प्लांट बेस्ड, दैट आर एक्चुअली वेजिटेरियन एंड दे आर सो फुल ऑफ प्रोटीन। सो आपकी प्रोटीन डेफिशिएंसी आपके वेजिटेरियन सोर्सेज से भी पूरी हो सकती है। एंड बिकॉज राइट नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट द टॉपिक ऑफ वेट गेन एंड इट इज हाई इन शुगर्स, फैट्स एंड एवरीथिंग दैट इज बैड फॉर अवर बॉडी, that is why you should stop eating non-vegetarian food and shift on to plant-based diet. Fact number 12 is heredity. See, genes are responsible for body fat distribution, for your tendency to deal with stress and for other several bodily activities. But sirf heredity hi nahi, iske saath saath environment aur aapki personal choices bhi aapke weight gain ko affect karti hain. अगर आप इस फैक्ट को एक्सेप्ट कर लेते हैं कि भाई हमारे खानदान में तो बाकी सारे लोग मोटे हैं तो मेरा मोटा होना तो बनता ही है, और आप अपनी बॉडी पर ध्यान नहीं देते हैं, तब उस केस में आपका वजन कभी कम नहीं हो सकता, आप सिर्फ मोटे होते चले जाएंगे। बट इफ़ यू मेक अ लिटिल एक्स्ट्रा एफर्ट टू मेंटेन योर सेल्फ, तो दुनिया की कोई ताकत आपको मोटा नहीं कर सकती, आपको सिक नहीं बना सकती। इफ़ यू मेक हेल्दी चॉइसेस फॉर योर सेल्फ, इफ़ यू मेक a healthy environment across yourself, आस पास का जो माहौल हो वो बहुत अच्छा हो, बहुत हेल्दी हो, तो आपको कोई सिकनेस नहीं होगी, आपका वेट मेंटेन रहेगा, इनफैक्ट आप अपनी हेरिडिटी को चेंज भी कर सकते हो। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको आज का पार्ट बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव और यूजफुल लगा होगा। अगर लगा है तो एक छोटा सा कमेंट तो ज़रूर नीचे ड्रॉप करके जाइएगा, और साथ ही साथ अगर चैनल को नहीं सब्सक्राइब करा है तो जल्दी से सब्सक्राइब बटन दबा दीजिए, और साथ ही साथ नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन भी दबा दीजिए, क्योंकि इसी वीक मैं आपके साथ इस वीडियो का लास्ट पार्ट शेयर करूँगी और उसके अंदर भी बहुत सारे अमेजिंग फैक्ट्स हैं जो आपको शायद नहीं पता होंगे। साथ ही साथ इन सारे फैक्ट्स में से आपने किसके साथ रेजोनेट किया, आपको कौन सा फैक्ट सबसे ज़्यादा नया और अनोखा लगा, ये भी मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अपना प्यार बनाए रखिएगा और मैं आपसे मिलती हूँ अगली वीडियो में, इसी वीडियो के अगले पार्ट में। तब तक अपना ध्यान रखिए, लॉट्स ऑफ लव, बाय बाय, नमस्ते।